तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको एक नेटवर्क डायग्राम दे रखा है और इसकी हेल्प से बेसिकली हमने फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड हमने फाइंड करना है एमीटर रीडिंग। और सेकंड केस में देखो, यहाँ पे अगर हम सेम इसके सीरीज में एक और बैटरी अगर अटैच कर देते हैं, एक और सेल यहाँ पे अगर हम अटैच कर देते हैं, तो उस केस में हमारी एमीटर रीडिंग क्या होगी वो हमने बेसिकली निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो हमारा 1 ओम और 2 ओम लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में अटैच है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज करो वो आर आ गया, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा वो सीरीज में तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा, 3 ओम हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इन दोनों को मिला के हमारा एक बन रहा है 3 का। इसको आप चाहो तो कंबाइन करके एक 3 का बना सकते हो। तो ये 3 और ये 3, इन दोनों को जो मिला के हमारा 3 आ रहा है वो, और ये दोनों होंगे पैरेलल में। तो दो जब पैरेलल में लगे होते हैं ना, तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम करके हम निकाल लेंगे इसको आसानी से। आप चाहो तो 1/3 + 1/3 करके भी निकाल सकते हो, इतना ही आएगा, इसको करके देखना आप। तो यहाँ से आ रहा है देखो 9, और इधर ये मिल रहा है 6। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 जा, सॉरी 2 जा जाएगा ये 2 जा रहा है, ये 3 जा रहा है। तो यहाँ से हमको 1.5 ओम मिल रहा है जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है ना। एक चीज़ तो यहाँ से हमारी निकल गई। दूसरा हमने क्या निकालना है, देखो दूसरा हमने निकालना है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो इसमें एमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो इसमें देखो, केस वन हमारा क्या है, जब हम एक बैटरी लेके चल रहे हैं तब हमारी एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो जब हम एक बैटरी लेके चल रहे हैं, ये वाली, इसको हम लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, देखो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला था ये, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 का है। तो यहाँ से जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, बाई ओम्स लॉ, है ना, काफ़ी फेमस लॉ है ओम्स लॉ, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में यही एक काम आता है हमको। तो यहाँ पे ओम चाचा की बात कर रहे हैं, ओम फू चाचा की नहीं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वी इक्वल्स टू आई आर, है ना, आई, और आर हम कौन सा लेंगे, आर प्लस स्मॉल आर भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये टोटल जो निकला है वो इन तीनों का टोटल निकला है, तो इस बैटरी का इंटरनल भी हम लेंगे, तो इसमें हम बैटरी का इंटरनल भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो करंट है ना वो हमारा निकल जाएगा, देखो V अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल R। तो वोल्टेज है 2 का, और यहाँ पे 1.5 हमारा कैपिटल R है और 0.5 ये है, तो 2/2 यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर, है ना। एक केस में हमारा निकल गया जब हम एक ही बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तब अगर हम दोनों को यूज करेंगे, देखो ये हमारा लगा हुआ है सेम पोलैरिटी में। सेम पोलैरिटी क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। इसके केस में क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा दोनों को ऐड करके मिलेगा। सपोज करो इसका वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V2 है, तो जो हमको नेट मिलेगा वो दोनों को ऐड करके मिलेगा। और अगर ये ऐसे अटैच होता अपोजिट पोलैरिटी में, है ना, अगर ये ऐसे अटैच होता, देखो इसका जो नेगेटिव है वो वापस से नेगेटिव से ही कनेक्ट है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। तो अपोजिट पोलैरिटी में अगर ये V1 है और ये V2 है, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा। अगर V1 हमारा हायर है तो V1 माइनस V2 होगा, या इसमें हम मॉड लगा देते हैं ना, ये हमारा हो जाएगा नेट। तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा ध्यान देनी है कि हमारे कैसे कनेक्ट है। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है और सेम पोलैरिटी में कनेक्ट है, तो जो इनका नेट होगा वो ऐड करके मिलेगा। तो सेकेंड केस का देखो, सेकेंड पार्ट का हमने केस टू निकालना है। केस टू में क्या है, देखो दोनों में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 0.5 का है, और कैपिटल आर हमने इतना निकाला था, ये हमारा 1.5 था। तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे वापस से। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक 1.5 हमने पहले ही निकाला हुआ है, और 0.5 इस बैटरी का, और 0.5 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और 0.5 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे मैंने वोल्ट लिख दिया गलती से, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ना ये ऐड करके कितना मिल रहा है आपको, 2.5 मिल रहा है, ये है ना, ये 2, ये 2.5, इतना आ गया। तो इसमें हम बाई ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, बाई ओम्स लॉ वी इक्वस टू आई आर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करंट हमको मिल जाएगा वी इक्वस टू आई, और आर जो है ना ये वाला लेंगे हम, ये टोटल वाला। तो वोल्टेज कितना था हमारा, 4 आ जाएगा देखो वोल्टेज हमारा। यहाँ से हम करंट निकाल लें तो सीधे आई निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर टी। तो जो वोल्टेज है ना वो 4 वाला लेंगे, क्योंकि जो हमारी टोटल वोल्टेज होगी उसको लेंगे हम 2+2 करके। अभी मैंने आपको बताया था सेम पोलैरिटी में दोनों को हम ऐड करके निकालते हैं,
तो यहाँ पर रख देंगे 4 और ये आ रहा है हमारा 2.5। तो इसका ये पॉइंट हटाओगे ना ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 40/25 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 जाए कैंसिल आउट हो रहा है, 8 जा है ना, 1 जा रहा है, फिर 6 जाएगा, 1.6 एम्पियर आपको करंट यहाँ से मिलेगा। जब क्या करोगे, दोनों बैटरी को आप सीरीज में अटैच करोगे, है ना। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो यार अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलता है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।